हेलो माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अज असीं करन जा रहे हां ग्रामर दे एमसीक्यूज़ दे विचों प्रेपोजिशंस दे एमसीक्यू। सो इत्थे आपणे कोल फोर एक्सरसाइजेस ने। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करदे हां। द डाउरी सिस्टम डी जनरेटेड डैश एंड एवल कस्टम इनटू, और इत्थे इनटू आएगा बिकॉज कह रहे जी दाज की प्रथा है वो डी जनरेट होगी एक एवल कस्टम के विच। सो दैट इज इन टू इट बिकम नेसेसरी डैश द पेरेंट्स डैश गर्ल्स टू गिव अ गुड डाउरी डैश द डॉटर्स। सो इत है फोर, वेट कलर चेंज कर लेते हैं। दैट इज फोर ऑफ टू इट बिकम नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स, यह पेरेंट्स के लिए जरूरी बन जाता है। पेरेंट्स कि ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के पेरेंट्स लिए जरूरी बन जाता है टू गिव डाउरी टू देयर डॉटर, कि अपनी धियां नूं दाज देन। ठीक है जी, अगे है द मैरिड लाइफ डैश अ गर्ल डिपेंडेंट डैश द साइज डैश ऑफ द डाउरी दैट इज ऑफ ऑन ऑफ। कहते एक गर्ल की जिहड़ी मैरिड लाइफ है वह कितने डिपेंड करती है ऑन द साइज ऑफ द डायरी। समझ आ रहे नाल? अगे है अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैरिड लाइफ बिकम इम्पॉसिबल डैश द एबसेंस डैश अ हैंडसम डायरी इन एंड ऑफ। कहते जिहड़ी एक सक्सेसफुल तो हैप्पी मैरिड लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाती है इन द एबसेंस ऑफ अ हैंडसम डॉरी। कहते जी आप वधिया दाज नहीं देवे तो कुड़ी की जिहड़ी लाइफ है वह बहुत ही वधिया नहीं बीतती। ठीक है, न्यूज़पेपर आर फुल ऑफ रिपोर्ट्स कैरिंग टेल्स ऑफ ब्राइड्स बीइंग बर्न्ड टू द डेथ और ड्राइवन टू हैंग देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट नैगिंग बाय देयर इन-लॉज। कहते कि न्यूज़पेपर्स दे विच रिपोर्ट्स भरी होंगी है इस कहानियां नाल कि ब्राइड्स जला दिता गया है या फिर उन्होंने लटकन पर मजबूर कर दिता गया है क्योंकि उन्होंने जो पेरेंट्स इन लॉज होते हैं उन्होंने टॉर्चर करते हैं डॉरी के लिए ताने मारते हैं या बहुत तंग करते हैं। ठीक है, अगे है एक्सरसाइज टू क्रिकेट वाली। क्रिकेट इज अ गेम नोन डैश इट्स वंडरफुल ग्लोरियस फोर। कहते जी क्रिकेट है वो वंडरफुल ग्लोरीज दे लई जानी जाती है। फोर मीनस दे लई। ये एक्सरसाइज मेरे नाल करन दा तां फायदा जी तुसीं पहले समझे हुए बिकॉज यू आर टेंथ क्लास, तुहानूं इहनां समझाउण दी लोड़ नहीं पैनी चाहीदी। इट इज़ पॉपुलर डैश मैन एंड वूमेन डैश ऑल एजस। इहदा आएगा एमंग ऑफ। कहते ये पॉपुलर है वूमेन ते वूमेन हर एजिस दे उहनां दे अंदर पॉपुलर है। पीपल यूज टू गो टू सी क्रिकेट टैसट मैच इन थाउजेंड, हज़ारा की गिनती के लोग क्रिकेट के टैसट मैच देख जाते सी यूज टू जाते सी। दे यूज टू सी अ मैच फॉर एक मिनट रुको। दे यूज टू सी अ मैच फॉर फाइव डेज वेरी अ टाइम द मैच वुड एंड इन अ ड्रॉ। कहते जो लोग है वो मैच देखने लिए पाँच पाँच दिन चले जाते सी। हर कई बार तो की होंगे सी भी जो मैच है वो एक ड्रॉ दे विच ही एंड हो जाता सी। ठीक है, अगे है बट थिंग्स हैव चेंज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन डे मैचेस। पर जो सारी चीज़ा सी बदल चुकी ने बिकॉज हूँ जड़े ने वन डे मैचेस इंट्रोड्यूस हो गए ने अज के युग दे विच। This kind dash cricket has certainly caught the fancy dash of the people. Daiga off the off. Kede is kind di jehdi cricket hai ene lokan de vich jehda oh josh oh fancy si cricket nu dekhan da jehda chaa si oh jehda oh ghataata hai. Agge hai there is no need to wait dash 5 days now dash the outcomes dash the match. So ithe hai ga 4
ऑफ कहते इतने वेट करने की हूँ पांच दिन की लड़ ही नहीं पैंती बिकॉज जोड़े भी आउटकम होते हैं मैच के वो नाल दी नाल दे दिते जाते हैं। ठीक है, अ मैच इज नाउ डिसाइडेड ऑन द सेम डे, उसी दिन ही मैच कर लिया जाता है। ठीक है, अगे है एक्सरसाइज 3, इन मॉडर्न टाइम्स बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड इन वेरी लार्ज नंबर ऑन ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन, कहते अजकल के टाइम क्या जी बुक्स है वो किमें पब्लिश होती है बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर के सूरज के अंदर हर सब्जेक्ट की। ठीक है, अगे है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू रीड ऑल ऑफ दैम, कहते एक मिसाल ये पॉसिबल ही नहीं है कि वह सारी बुक्स तो रीड कर सके। रीडिंग गिव्स अस लॉट ऑफ प्लेजर, जोड़ी रीडिंग है अपन बहुत ज़्यादा खुशी दिखती है। बुक्स डिलाइट एंड एजुकेट एट द सेम टाइम, जिथे ही बुक्स सानू खुशियां दिंदी है एक मज़ा दिंदी है रोचकता दिंदी है पढ़ के नाल नाल सानू एजुकेट भी करदी है उसी टाइम। द गीता गिव्स अस अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कहते जी भगवत गीता है वो अपन इस चीज़ का मैसेज दिंदी है भी आप हर एक दे नाल यूनिवर्सल ब्रदरहुड बना के रखिए, हर एक दे नाल भाईचारे च रहिए। अगे है It tells us that a man should go doing his duty without worrying the results. किसने एक मैन को अपना फर्ज नहीं बनते रहना चाहिए भावें उसका जिहड़ा रिजल्ट है जो मर्जी हो। तो इतने की आ जाएगा अबाउट रिजल्ट के बारे बिना सोचे। सो अगे है लास्ट एक्सरसाइज, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थोर्नस, कहते जी लाइफ है वो एक सॉफ्ट सॉफ्ट खुशबूदार रोजेस का बेड नहीं है, वह एक कंडिया का बैड है। दोज हू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ आर विनर्स नॉट लूसर्स, जिहड़े अपनी लाइफ की रियलिटी को जान लेते हैं वो विनर्स नहीं, सॉरी वो लूसर्स नहीं होते विनर्स होते हैं। वन हैज़ टू गो थ्रू दिख भी नहीं रहा थ्रो ऑफ ट्राइबल्स एंड ट्रिबुलेशंस इन टेकिंग राइट डिसीजन और फॉर मेकिंग राइट चॉइस, कहते हर एक बंदे नू जड़ा है वो गो थ्रू करना पैदा है बहुत सारे ट्रायल्स, तो बहुत सारे ट्रायल्स होते कि बार बार ट्राई करते रहना, बहुत सारे ट्रायल्स तो ट्रिबुलेशंस तो इन टेकिंग राइट डिसीजन लैन के बहुत सारे ट्रायल्स करने पैदे हैं या फिर एक राइट चॉइस बनाने ये सब करना पैदा है। अगे है God has given us tremendous power to think and decide. God ने अपने बहुत ही वधिया ते तेज शक्ति दी है सोचन ते डिसाइड करन दी, but most of us अपने जो बहुत ज़्यादा जड़े लोग हैं आर इग्नोरेंट ऑफ अवर कैपेबिलिटीज, पर अजकल दे जड़े मोस्ट ऑफ लोग हैं उन्होंने पता ही नहीं कि उन्होंने अंदर की एबिलिटी है की कैपेबिलिटीज़ है। अगे है वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट अवर सेल्स एंड मूव टूवर्ड्स the destination without any doubt or fears, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ ਅਤੇ ਫੀਅਰ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਲ ਲੀਡ ਅਸ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਾਈਟਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ वीडियो MCQs दी। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो तो चैनल नू सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।